दिन 25वां और ये है हम कहां पर लव जिंदगी। जो ज़िग-ज़ैगलर है वो कहते हैं यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। सही कहा है, अगर हम शुरुआत ही नहीं करेंगे तो किसी चीज का अंत तो होगा ही नहीं ना, लेकिन शुरुआत करने के लिए हमें मेहनत करनी होगी, उसके लिए एक्शन लेना होगा। विच टॉक्स अबाउट टेकिंग एक्शन, शुरू करिए, काम करना शुरू करिए, कुछ मूवमेंट होगी तभी बात आगे बढ़ेगी। जब भी हम कम कोई काम करते हैं, कोई गोल रखते हैं और उसको अचीव करने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जब हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, अगर हमको मालूम है कि वो किस तरीके से करना है तो हमें मालूम होता है कि किस तरीके से शुरू होगा, किस तरीके से उसकी प्रोसेस होगी और फिर वो किस तरीके से क्या उसका रिजल्ट होगा और हम कहां उसको फिनिश करेंगे। लेकिन जब हम लोग एक कोई काम शुरू कर लेते हैं तो हमें जो हमें प्रोसेस मालूम है उस वजह से हम इतना मोटिवेट हो जाते हैं कि हम उसको बिना खत्म किए या बिना हमारा जो गोल है उसे अचीव किए रुकते नहीं है। अगर हमको कोई काम या कोई गोल जो हमने रखा है हमारे लिए, अगर हमको वो बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो हम लोग उसको उसी गोल का कुछ सब गोल्स बना के स्पेसिफिक माइलस्टोन्स की इस पड़ाव पे एक माइलस्टोन अचीव हुआ, फिर दूसरे पड़ाव पे दूसरा माइलस्टोन और जब तीसरा माइलस्टोन अचीव होगा इट मींस वी हैव रीच आवर गोल। अगर हमको ये कैसे करना है इसकी प्रोसेस समझ में आ जाए, किस तरीके से हमको काम करना है, किस तरीके से उसको अंत तक ले जाने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेनी है, क्या क्या एक्शंस लेनी है, तो वो काम करना आसान हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैंने ये लिखना शुरू किया इस किताब के बारे में लव यू जिंदगी, तो मैंने ये सोचा कि मुझे किताब तो लिखनी है लेकिन बच्चों के साथ, घर के कामों के साथ सब चीजों को बैलेंस करते हुए कैसे मैं ये काम पूरा कर सकती हूँ। इसलिए मैंने एक शेड्यूल प्लान किया जिसके अंदर कि मुझे कितना समय मैं राइटिंग को दूंगी, कब होगा ऐसा समय जब मैं बच्चों से डिस्टर्ब नहीं होती हूँ, कोई और डिस्टर्ब नहीं करता है, एंड फिर मैं उस टाइम पर अपने क्रिएटिविटी के साथ अच्छे से बुक पर काम कर सकती हूँ, क्या बेस्ट आउटपुट मैं अपना दे सकती हूँ ताकि ये बुक लिखने के बाद लोगों को पढ़ने पर उसका फायदा हो। और सिर्फ उसका माइलस्टोन मैंने क्रिएट नहीं किया, इसका रूटीन बनाने के लिए मैंने सिर्फ प्लान चॉक आउट नहीं किया, वो रूटीन बनाने के बाद जो मैंने जैसे माइलस्टोन की बात की कि अगर मुझे चार दिन में मुझे दो लेसन कंप्लीट करने हैं तो उसके लिए एक टाइम भी अलॉट किया कि इतने दिन में ये फिनिश होगा तभी वो माइलस्टोन अचीव माना जाएगा, अदरवाइज वो काम डिले होता जाएगा और मुझे जो रिजल्ट चाहिए, जितने समय में चाहिए और जितने अच्छे चाहिए वो नहीं मिलेंगे। इसीलिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो उसे किस तरीके से करना चाहिए, उसका क्या प्रोसेस होना चाहिए, अगर ये मालूम पड़ जाए तो बहुत आसान हो जाता है। जब भी हम कोई काम करें और उसका अगर प्रोसेस हम बना लें तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा वो काम को पूरा करना और हमारे गोल्स, हमारे टारगेट्स को अचीव करना। स्टीफन कोवे कहते हैं कि आपका जो गोल्स है सिर्फ सेट करना इज नॉट सफिशिएंट, स्टॉप सेटिंग गोल्स, गोल्स आर प्योर फैंटेसी अनलेस यू हैव स्पेसिफिक प्लान टू अचीव दैट।